आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अर्णब गोस्वामी पत्रकारिता का वो बदनुमा दाग जिसने तमाम को पीछे छोड़ दिया। मैं माफी चाहूंगा अपने वर्ड के लिए, पत्रकारिता नहीं, पत्रकार तो वो है नहीं, क्योंकि दलालों की गिनती में टीआरपी के खेल में नंबर वन है। जी हाँ, तमाम दलालों को पीछे छोड़ते हुए दलाली में नंबर वन बन चुके हैं अर्णब गोस्वामी। अब इस होड़ में कौन किससे बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर अर्णब गोस्वामी टीआरपी गेन करने में माहिर है और किस तरीके से टीआरपी का खेल चालू है वो देश के सामने आ चुका है। इसलिए दलाली में अभी फिलहाल नंबर वन है और इस दलाली के चलते अब लगातार मुंबई पुलिस के रडार पर है अर्णब गोस्वामी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से मुंबई में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अर्णब गोस्वामी द्वारा की गई और सुशांत सिंह राजपूत के कैसे तथ्यों से खेल करके लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि इस में अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो महाराष्ट्र सरकार का है, शिवसेना का है, बॉलीवुड का है। और इस बीच अमर्यादित होते अर्णब गोस्वामी ने सारी हदें पार की और उन हदों में वो कभी कॉलर चढ़ाते हुए अपनी भौहें तानते हुए, कभी संजय रावत ए संजय रावत करते हुए नजर आए। तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हो, मेरे सवालों का जवाब दे, क्यों नहीं बोल रहा है तू। इसी तरीके से उन्होंने सलमान पर भी प्रहार किया और ये कहा कि कहां छुपा है सलमान, बाहर निकल, मुंह अभी तक क्यों नहीं खोला है। पर अब लगातार जो मुंह उनका बड़बड़ा रहा था इसके चलते मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर एक कड़ा शिकंजा कसा है और मुंबई पुलिस के साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कड़ा एक्शन लेने की तैयारी अर्णब गोस्वामी के ऊपर कर ली है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू की है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार शाम तक प्रस्तुत होने के लिए कहा था। आइए जानते हैं कि क्या है चैप्टर प्रोसीडिंग जो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ शुरू हुई है। चैप्टर प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा लिए जाने वाला प्रिवेंटिव एक्शन है। अगर पुलिस को लगता है कोई व्यक्ति समाज में समस्या पैदा कर सकता है या समाज की शांति भंग कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। चैप्टर प्रोसीडिंग दंडात्मक कार्रवाई की तरह नहीं होती, जिनमें दंड देने के उद्देश्य से FIR की जाती है। चैप्टर प्रोसीडिंग में पुलिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के सेक्शन 111 के तहत नोटिस देती है, जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि आपके कृत्यों के कारण आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें CRPS के सेक्शन 111 के तहत व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को समझना होता है कि क्यों उसे अच्छे व्यवहार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य ना किया जाए। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्यक्ति के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे अच्छे व्यवहार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक निश्चित धनराशि भी तय की जाती है। अगर वे व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे वह जुर्माना भरना पड़ता है। कार्रवाई पर उपरोक्त व्यक्ति को जुर्माना देना होता है। जुर्माना ना देने पर उसे जेल भी भेजा जा सकता है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी से भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा सकती है और उसके उल्लंघन पर उन्हें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मुंबई पुलिस ने सेक्शन 111 के तहत अर्णब को नोटिस भेजा है, जिसमें मुंबई में लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन पर एकत्रित भीड़ और पालघर लिंचिंग की रिपोर्टिंग को लेकर दर्ज की गई 2 FIR को आधार बनाया गया है। हालांकि सेक्शन 111 के तहत नोटिस मिलने पर व्यक्ति के पास कोर्ट में अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। इस मामले में अर्णब गोस्वामी के पास भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विनियम की कमी पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से मीडिया ट्रायल की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित उपायों पर विचार करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई वैधानिक नियामक संस्था क्यों नहीं है जो प्रिंट मीडिया की देखरेख कर सकते। केवल यही उम्मीद है कि हम आपको देख रहे हैं। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थितियों में कार्यपालिका और विधायिका को संबोधित
करना है। सुनवाई की शुरुआत के दौरान एसएसजी ने सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जिसमें उप न्यायिक मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देशों को फ्रेम करने से परहेज किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रकाशनों को स्थगित करने के आदेश संबंधित न्यायालयों द्वारा विशिष्ट मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए वास्तविक और ठोस पूर्वाग्रहों से पारित किए जा सकते हैं। सिंह ने कहा कि प्रकाशनों को स्थगित करने की एक सामान्य दिशा नहीं हो सकती है। सिंह ने कहा कि वर्तमान मामले में जनहित याचिकाएं हैं, जिनमें से कोई भी याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक रिपोर्टों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाशनों पर पूर्व संयम को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उसी समय उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। पीठ ने सुनवाई को सोमवार को 19 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, जब सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दात्तर को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुतियां करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि अर्णब गोस्वामी दलाली का नंबर वन बन चुका है पत्रकारों में, क्योंकि बीजेपी के फेवर में खबर करने में माहिर और तथ्यों को पलट करके लोगों के सामने दिखाने में माहिर है अर्णब गोस्वामी। और अर्णब गोस्वामी से अगर सवाल पूछा जाता है कि हाथरस पर क्यों नहीं बोले, तो हाथरस पर बोले जरूर, पर उसमें भी विपक्ष को घेरा के देखिए कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं कांग्रेस वाले, और कैसे दलाल पत्रकार उनके साथ मिले हुए हैं। हम दलाली नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, पर मुंबई पुलिस के लगातार निशाने पर है अर्णब गोस्वामी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को भी अर्णब गोस्वामी ने चैलेंज किया था, और जब चैलेंज किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने भी दमखम दिखा दिया कि आखिरकार आपको बचाया जा रहा था तो सरकार पहले आपकी थी, और अब लगातार जो आप नफरत बो रहे हैं इस मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास तथ्य हैं तो सबूतों को पेश कीजिए, टीवी टेलीविजन पर आकर के कुछ भी बोल करके निकल जाने से ये पत्रकारिता नहीं दलाली कहलाएगी। और महाराष्ट्र पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से अर्णब गोस्वामी ने पालघर पे मॉब लिंचिंग की घटना को सांप्रदायिक रंग दिया, और इसी के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बांद्रा पर किस तरीके से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, इसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने रखी। पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़े लफ्जों में ये कह दिया है कि जिस तरीके से लगातार मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है, खासतौर पर बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं अर्णब गोस्वामी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसके ऊपर जवाब देना ही पड़ेगा। आखिरकार अर्णब गोस्वामी को यह पंगा महाराष्ट्र पुलिस से महंगा पड़ गया है, जहां अब उनकी पोल पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। तो मैं अर्णब गोस्वामी से जुड़े हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।